आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक बातें लेजिक सर्जरी के बारे में। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रेरणा त्रिपाठी, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रिस्टीन केयर के साथ बैंगलोर में। सो लेसिक सर्जरी क्या होती है? लेसिक सर्जरी एक रिफ्रैक्टिव सर्जरीज होती है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी का मतलब ये सर्जरी उन लोगों में की जाती है जिनको चश्मे लगे हों और उनको अपने चश्मे के नंबर से आज़ादी चाहिए। क्या हर पेशेंट ये सर्जरी करवा सकता है? डेफिनेटली करवा सकता है, लेकिन उसके पहले आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे जो आपके आई डॉक्टर देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या ये सर्जरी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। इसमें बेसिकली करते क्या हैं, जो कॉर्निया होता है, यो हमारी आँखों का सबसे आगे का पार्ट होता है, उसमें लेज़र के द्वारा कुछ चेंजेस किए जाते हैं जिससे उसका शेप एंड थिकनेस थोड़ा चेंज होता है और आपका जो भी नंबर है वो चला जाता है। पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि क्या इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ही मिनिमल होते हैं। विद द एडवांसमेंट इन इक्विपमेंट्स और जो भी टेक्निक्स आ गई हैं उसके बेसिस पे कॉम्प्लिकेशन ना के बराबर ही होते हैं। कुछ पेशेंट्स में थोड़ा ड्राई आई हो सकता है जिसके लिए कुछ ड्रॉप्स से वो बेटर हो सकते हैं। पेशेंट पूछते हैं कि क्या हमारा चश्मे का नंबर पूरी तरह लेसिक से चला जाएगा। देखिए, अगर आपका आपको लेसिक सजेस्ट किया गया है और आपके नंबर के लिए एक सूटेबल सर्जरी है तो डेफिनेटली इससे पूरा नंबर चला जाता है। कुछ पेशेंट्स में पाया गया है कि नंबर वापस कुछ आता है। उसका रीज़न दो होते हैं। एक कि आपने जब अपनी लेसिक सर्जरी कराई थी आपका पावर स्टेबल नहीं था। स्टेबल नहीं था मतलब पावर आपका बढ़ता जा रहा था और आपने बीच में लेसिक सर्जरी करा ली। दूसरा रीज़न होता है जिसको हमारे टर्म्स में रिग्रेशन बोला जाता है। वो बहुत ही रेयरली होता है पर कुछ लोगों में वो हो सकता है। पर मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं उसमें लेसिक सर्जरी के बाद जो चश्मे का नंबर होता है वो पूरी तरह चला जाता है। एक और क्वेश्चन है कि लेसिक सर्जरी सिर्फ दूर वाले जो चश्मे होते हैं उनके लिए होती है या जो पास की नज़र के चश्मे होते हैं उसके लिए भी करी जा सकती है? ये सर्जरी किसी भी टाइप के चश्मे के नंबर के लिए करी जाती है, यानी कि मायोपिया, एस्टिगमेटिज्म और प्रेसबायोपिया, कोई भी टाइप का आपको प्रॉब्लम हो इसमें ये सर्जरी करी जा सकती है। प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद आपको कुछ ड्रॉप्स दी जाएंगी, वो आपको कुछ समय तक डालनी होती हैं। थोड़ा अपनी आँखों का उस समय तक ध्यान रखना होता है और कुछ ही दिनों में आपकी आँखें पहले की तरह हो जाएंगी और आप बाकी सब कुछ नॉर्मल लाइफ में जो करते थे वो कर सकेंगे। अक्सर इसके प्राइस को लेकर भी पेशेंट्स को डाउट होता है कि इसका प्राइस क्या होता है। देखिए, प्राइस डिपेंड करता है। जो बेसिक प्राइस होता है वो मिनिमम होता है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 45,000 के अराउंड इंडिया में, लेकिन इसका जो प्राइस होता है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है, सर्जन के एक्सपर्टाइज पे या फिर जो स्टाफ है उनके एक्सपीरियंस पे। तो आपको ये सब देख के डिसाइड करना होगा कि क्या ये सर्जरी आप एफोर्ड उस जगह पर आप एफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अगर मुझसे अगर कोई पेशेंट पूछता है कि हमें कहाँ पे सर्जरी करानी चाहिए, तो ये मेरा हमेशा एडवाइस रहता है कि आप उस जगह सर्जरी कराइए जहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर चेकअप किया जा रहा है, जहाँ पे आप ध्यान रखा जा रहा है, जहाँ पे डॉक्टर भी एक्सपर्टाइज उनका इस फील्ड में हो और जो स्टाफ है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, ताकि वो आपकी आँखों का पूरी तरह से ख्याल रख सके। तो मैंने आपको अभी कुछ बेसिक चीज़ें लेसिक सर्जरी के बारे में बताई हैं, लेकिन अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। बुक योर सर्जरी अपॉइंटमेंट ऑन pristinecare.com। Pristine Care।